गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल के चितवन एरिया से आप लोगों का स्वागत है। ठीक है जी, तो अभी क्या है ना, भैया सुबह के बज रहे हैं 8:30 के आसपास टाइम है, नेपाली टाइम में और इंडिया टाइम में फ़र्क है ही, आज ही अभी पता लगा मुझे। वैसे कल भी मैंने नोटिस किया था, अभी फ़र्क जो पता लगा एग्जैक्टली 15 मिनट का फ़र्क है इंडिया से नेपाल में, क्योंकि मैं अपनी वीडियो शेड्यूल कर रहा था। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, जब ये वाली वीडियो आप देखोगे तो इससे पहले वाला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे। और आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, राजन ब्लॉग्स पर पहली बार आए हैं, तो मैं अभी हूँ अपने नेपाल ट्रिप पे और आप लोग मुझे देख रहे हैं इस तरह से। तो मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता रहता हूँ, लद्दाख या हमारा स्पीति या हिमाचल की कोई भी सीरीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और क्या बता रहे थे, हाँ अमित भाई कह रहे थे कि अभी ना यहाँ पे पानी नहीं आ रहा और हम दूसरा होटल वालों को बुलाने गए तो एक तो वो हिंदी नहीं समझ रहे हैं यार, जो यहाँ का लोकल स्टाफ होता है ना, मतलब इंग्लिश भी नहीं समझते और हिंदी भी नहीं समझते, तो इतनी मुश्किल से समझाना पड़ रहा है। अब गर्म पानी को कहते हैं तातो पानी, तो तातो पानी कह के समझाना पड़ा कि भाई गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, फिर अपने ही मिक्सर में वॉशरूम में वो लगे हुए, उनको समझ नहीं आ रहा गर्म पानी कहाँ से आएगा। देखो क्या होता है, नहाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से, अभी देखना है जाना है चितवन की तरफ, और चितवन खुला होगा तो सफारी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे चितवन नेशनल पार्क का थोड़ा सा नज़ारा, और फिर उसके बाद मैं निकलूँगा काठमांडू और अमित भाई जाएंगे आज इंडिया की तरफ सनोली बॉर्डर होते हुए। ठीक है, चलो मिलेंगे दोबारा। ठीक है भैया, तो गाइस ये हमारा होटल था, होटल एंड बैंकेट प्राइवेट लिमिटेड, सन सिटी होटल। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं चितवन की तरफ, तो अभी तो अमित भाई मेरे साथ हैं, वो जा रहे हैं आगे आगे और चितवन तक जा रहे हैं हम लोग। सुबह सुबह का नज़ारा देख लो भाई साहब, नारायण घाट नेपाल। अच्छा घर देख रहे हो, कितने सुंदर सुंदर घर बनाते हैं आप लोग ना, और इस टाइप की ना शेड होती है यहाँ लोगों के घरों पे, देख रहे हो गाइस। कल आपको बता रहा था ना कि गाड़ियाँ यहाँ पर थोड़ी अलग डिफरेंट दिखाई देती हैं, अब देखो ये सामने चल रही है तो ये इसुजू की, पर ये हमारे इंडिया में नहीं दिखाई देती और काफ़ी पुराना मॉडल लग रहा है, देख रहे हो ना। और ये भी वही है, एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, देखा। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं चितवन की तरफ जा रहे हैं, शायद आने वाला है, थोड़ी दूर था वहाँ से, लगभग 20 किलोमीटर था उस होटल से, और रास्ता अभी तक तो ये वाला तो ठीक मिला रास्ता। हम गाइस ऑलमोस्ट ना पहुँचने वाले हैं चितवन नेशनल पार्क, और ये देख रहे हो लोकेशन कैसी है भैया, कोई नदी है पता नहीं क्या है, देखो कैसे ब्रिज बनाया हुआ है इसके ऊपर। ओए होए वाह भाई वाह, राजन भाई कहाँ हो, ये देखता हूँ वापस आते टाइम ना यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने की कोशिश करूँगा, अच्छा लग रहा है लोकेशन ये देख के ना। कैसे रास्ते जा रहे हैं भैया हम, गाइज अभी क्या है ना, प्लान में फिर से चेंज है, चेंज इसलिए है कि अब यहाँ पे इतनी दूर इस लोकेशन पे आए हैं तो नेशनल पार्क को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो उसमें लगेगा 4 घंटे, तो फिर 4 घंटे के बाद क्या है ना फिर कि काठमांडू के लिए निकलने में फिर 6 घंटे लगेंगे, तो आज फिर से रात हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि हमने सोचा कि यहीं पर आज होटल ले लिया जाए और यहीं स्टे करेंगे। चली जाएगी, मैं निकालता हूँ देखिएगा एक बार, है भाई साहब बड़ी तंग जगह थी, ये पार्किंग है जी हमारे होटल की, तो यहाँ भी एक सस्ता सा रूम हमने ले लिया आज रात को रुकने के लिए, सफारी के लिए हमने कटवा ली पर्ची, अब यहाँ लगाएंगे पार्किंग में। A few moments later. गाइज ये सामने आपको जो जीप दिख रही है ना ये वाली, तो इस टाइप की जीप में हम लोग जाने वाले हैं जीप सफारी करने, देखो यहाँ पे भी है ऐसे, और अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, रूम में गए थे कपड़े चेंज किए, अमित भाई भी साथ ही हैं अभी, तो ये यहाँ से ना पीछे से एंट्री होती है, तो टोटल हमें कितना देना पड़ा था, 2650 ना पर बंदा, हाँ 2650 पर पर्सन है, जिसमें हमारी एंट्री टिकट है यहाँ की चितवन नेशनल पार्क की और जीप सफारी भी इंक्लूड है उसमें, जो कि 4 आवर्स की होती है, तो ये 2650 ना नेपाली रुपीज़ हैं। नेपाल के जंगल को आज एक्सप्लोर करने जाऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है गाइज, पहले हमें जाना पड़ेगा इन बोट से
रिवर क्रॉस करके उस तरफ, फिर थोड़ा सा और वॉक करके जाना पड़ेगा जंगल में, उसके बाद फिर हमें मिलेगी जीप। और ये हमारे आज के गाइड हैं, राज दाई, इनका नाम है राज। राज जी एक बार हेलो कीजिए हमारी ऑडियंस को। चलिए जी अभी इसमें चलेंगे बोट में और रिवर क्रॉस करेंगे। गाइज ये जो बना हुआ है ना, देखो ये जो बोट बनी है ये एक सिंगल ट्री की है, जो उसका वो होता है ना तना होता है, उसको बीच में से ऐसे देखो खाली करके बनाया गया पूरा। और इसमें ना पूरा बैलेंस बना के बैठना पड़ेगा, सभी लोग बीच बीच में बैठ रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो पूरा इस तरफ से ऐसे झुक रहा है, ऐसा लग रहा है डर लग रहा है भैया, देखो कैसे बैठते हैं अब चल के। गाइज ऐसे सब लोग हम लोग बैठ के आए थे, देखो भैया डर लग रहा था, मैंने तो कैमरा भी नहीं निकाला वहाँ पे। एक तो बिल्कुल लेवल पे है ना पानी के। अब यहाँ से आगे चलना पैदल पैदल और जीप के लिए। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपडेट कर रहा हूँ भैया, सब दिखा रहा हूँ, जो चीज़ वीडियो में नहीं दिखती वो इंस्टाग्राम पे दिखती है, तो इसलिए कहता हूँ फॉलो कर लीजिए, मज़ा आएगा। अभी काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है ये, कल जाएंगे काठमांडू और फिर आप लोगों को कराएंगे हमारे भोलेनाथ के दर्शन, भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन आपको इस बार होने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो जंगल जंगल। तो जी हमारी जो है जीप सफारी वो शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक लेडी है, ये कनाडा से हैं आप, व्हाट्स योर नेम? हेली। हेली और यहाँ पे भी एक फैमिली है हमारे साथ, ये लोग बेसिकली नेपाल से ही हैं, राइट? या तो अभी सभी लोग हम लोग एज अ फैमिली जा रहे हैं चितवन नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए। गाइड साहब दिल्ली, गाइड साहब कितना एरिया में है पूरा? 965 किलोमीटर। ओके, हवा अच्छी लग रही है, वैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी पर अभी हवा लगने से अच्छा लग रहा है। गाइज मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो ये चितवन नेशनल पार्क है ना, ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसीरस के लिए, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आज इस जीप सफारी में हैं। तो वैसे तो सब लक बाई चांस है कि हमें दिख जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। बाकी 93 टाइगर्स भी हैं यहाँ पे, और जैसा अपने इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो वो एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहा जाता है। और जो ये वन हॉर्न वाले राइनोसीरस हैं वो सिर्फ चितवन नेशनल पार्क में ही दिखाई देंगे आपको, और कहीं भी नहीं नेपाल में। तो अभी हम लोग पूरे घने जंगल में हैं, देख रहे हो भाई साहब। थ्रिलिंग ब्लॉग होने वाला है आज का, थ्रिलिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए। ये तो इंडिया में घुसते दिख जाते हैं, ये तो वहाँ घर घर में है। गाइज हमें ना सामने हिरन दिखाई दिए अभी। गाइज अभी हम लोग ना एक मिड पॉइंट में आए हैं जंगल के अंदर, तो इसको कसरा करके ये जगह कहते हैं। और यहाँ पे ना ये इन्होंने क्रोकोडाइल का एक रिज़र्व बनाया हुआ है, अंदर क्रोकोडाइल है, यहाँ से टिकट मिलती है। तो लगभग अभी हमें 1.5 घंटा हो गया है जीप सफारी करते हुए, तो अब जाके ये पॉइंट आया है, यहाँ पे पानी वानी पीने की फैसिलिटी है। और इसका चार्जेस क्या है, फीस कितनी है? 100 रुपीज़ नेपाली। नेपाली ओके, चलिए देखते हैं कि अंदर जाते हैं या नहीं। अभी सोचते हैं, अमित भाई से पूछता हूँ और फिर दिखाते हैं आपको क्रोकोडाइल रिजर्व इनका। अभी क्या है ना, हमें दिखाई दिया गैंडा, पर वो इतनी दूर था कि पीछे की तरफ से दिखाई दे रहा था और फिर वो विद इन अ सेकेंड अंदर चला गया जंगल में, तो रिकॉर्ड में कर ही नहीं पाया। मैंने कोशिश की थी जूम करके करने की बट इतनी देर में वो चला गया अंदर। गाइज ये ना अंदर आ चुके हैं हम लोग इनके, ये क्रोकोडाइल रिजर्व में, ये एक्चुअल में इनका ब्रीडिंग सेंटर है,
तो यहाँ पे हर एक एज के हिसाब से इन्होंने अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, तो देखने को बन रहा है भाई सब अलग एक्सपीरियंस है। एक जगह छोटे हैं, फिर थोड़े से बड़े हैं, फिर थोड़े से बड़े हैं, फिर उधर बड़े हैं, उधर बिल्कुल बड़े हैं। अभी देखो दिखाता हूँ, ये बिल्कुल बच्चे वाले हैं यहाँ पे ना, ये नर्सरी पूल है इनका, इसका मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल छोटे वाले हैं। अब देखो पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख रहे होंगे वो दिख रहे हैं, देखो दिखे ना, तो ये बिल्कुल छोटे वाली एज है इनकी। ये यहाँ पे भी, ये भी देखिए, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे वाला जो सेंटर है वहाँ पे थोड़े से बड़े हैं, दिखाते हैं अभी, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ वही तो ब्रीडिंग सेंटर है ना इनका। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं, ये देखिए, ये देखो, इसके बाद आगे थोड़े से और बड़े हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे देखो और बड़े वाले हैं, देखो ये देखो, देख रहे हो, दो हजार 2017 का इनका बर्थ है जो ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो 2017, 18, 19, 20, 21, मतलब ये 4 years ओल्ड है यहाँ पे ना। और इनके ये हैं देखो, ये 2018 वाले देख रहे हैं अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, ये 2018 की ब्रीडिंग है सबकी, पीछे लिखा हुआ है, वो एक बाहर आ रहा है देखो। कभी देखा है जी ऐसा? मैं अभी पहली बार ही देख रहा हूँ भैया लाइफ में। घड़ियाल मैंने देखा पर बहुत दूर से देखा था, आज देख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ना। और ये हैं, ये भी 2017 वाले हैं, ब्रीडिंग पूल आगे है इनका। अच्छा वो आगे, ओहो वाओ, ये सबके डैडी और मम्मी होंगे यहाँ पे ज़रूर। देखो ये देखो भैया, दिख रहे हैं, और इनका आपको बर्थ ईयर बताऊं मैं, 1978, 79 और 80। माय गॉड, 1978 बॉर्न है ये जो आप सामने देख रहे हैं घड़ियालिए वाले। 100 रुपये नेपाली टिकट लगी है, पर वर्थ है यार, आना चाहिए, हम लोग पहली बार आए हैं तो देखना तो बनता था यार। 2004 बर्थ ईयर, ये देखो जी, कैसे पड़े रहते हैं ना शांत बिल्कुल रेत पे। गाइज ये ना एग होते हैं, देखो क्रोकोडाइल के एग हैं, और ये यहाँ से एग से बाहर निकलने के बाद इनको फिर वहाँ पे लेके जाया जाता है आगे, वो पौंड है इनका नर्सरी वाला जो सबसे छोटे वाली एज में वहाँ पे रहते हैं, है ना आंटी। ये देखो शीशा क्लियर नहीं है पर दिख रहे हैं साइज। गाइस टाइगर देखा हमने, टाइगर, ओ वाओ, और निशान कर रहे गाइस हम लोग आ चुके हैं चितवन नेशनल पार्क घूमने के बाद अपने होटल के रूम में। आज हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं चितवन में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा काठमांडू, कल फाइनल है कि काठमांडू जा रहा हूँ मैं, और कल हमारे अमित भाई निकलेंगे अयोध्या की तरफ, दिल्ली की तरफ। और आपने देख ही लिया क्या हुआ यार, हम लोग ना बिल्कुल निराश होके वापस आ रहे थे
चितवन से, मतलब हमारा वो जो पूरी सफारी थी वो ख़त्म हो गई थी, और ख़त्म होते होते जाते ही हमने एकदम से सडनली जो हमारा गाइड साहब थे उन्होंने एकदम वो बजाते हैं एक्चुअल में ना, एक पत्थर होता है उनके हाथ में, तो उससे वो गाड़ी बजाते हैं जिससे ड्राइवर को इंडिकेशन मिल जाता है कि गाड़ी रोकनी है। उन्होंने एकदम से बजाया, हम सभी लोग एकदम से देखा पीछे मुड़ गए तो भैया टाइगर था वहाँ पे। वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिफरेंट था। मैंने वैसे जिम कॉर्बेट में पहले देखा हुआ टाइगर, बट यहाँ पे भी देखना एक वो भी अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। सीरियसली पैसा वसूल था। और राइनोसॉरस भी हमने देखा था, वो हमने पीछे की तरफ से देखा था, काफ़ी दूर था तो उसको मैं इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और हमने यहाँ पे हिरन तो काफ़ी सारे देखे, एक बारहसिंघा भी देखा था, और सबसे जो और जो अलग जो यूनिक चीज़ थी वो थी घड़ियाल जो मैंने आपको दिखाए थे, मगरमच्छ जो वहाँ पे थे वो भी अलग अलग तरह के थे। सब कुछ आप ये देख चुके हो इस वीडियो में, ठीक है। अब टाइम है इस वीडियो को ख़त्म करने का, क्लोज करने का। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा कुछ भी यहाँ के बारे में जानना चाहते हो तो। ये हमारे होटल का रूम है, बेसिक रूम है देखो बिल्कुल, और हमें 1100 रुपये का मिल गया है राइडिंग जैकेट और पैंट यहाँ पे। ये वॉशरूम है, गीज़र और वाईफाई यहाँ पे मिलता है, टीवी भी है। बाहर का नज़ारा देख लो एक बार, ये यहाँ पे भी होटल है ये देखो, और ये बालकनी है पूरी। वहाँ के उस तरफ ना रिवर क्रॉस करके हम लोग गए थे, उधर पूरा जंगल था, देख रहे हो। तो गाइस कुछ कुछ ना ऐसा है जैसा गोवा जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर ये चितवन जो एरिया है, क्या कहते हैं इसको अमित भाई? सोरा कहते हैं, काफ़ी फेमस जगह है ये भी यहाँ पे। और हमने जो होटल लिया ये गेंडा चौक है, गेंडा चौक कहते हैं इसको, हाँ गेंडा चौक पर ये होटल है। मैं फिर भी नाम और यहाँ का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कभी आप लोग आओ तो स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये था आज का दिन, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा आई होप, क्या आपने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा। चलो अब मिलते हैं कल सुबह आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं अभी तक भी वीडियो तो लाइक बनता है साथ में, ठीक है। मिलते हैं कल दोबारा से, बाकी सब ठीक है, बाय बाय। ठीक है अमित भाई, ओके जी, बाय बाय।